आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ भगवती देवी काली माँ ने जब संसार बना तो इसके तीन बीज हुए। बीज अक्षर मतलब जिससे संसार की उत्पत्ति हुई। एक तो महाबीज है ओम, उसके बाद आया श्रीम क्लिम और ह्रीम मतलब उत्पत्ति करता, पालन करता और विनाश करता। जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, वैसे ही भगवती सरस्वती, भगवती लक्ष्मी और भगवती काली हैं। जब आप पृथ्वी नामक महामशान पर आते हो तो यहाँ पर जो देवी राज करती हैं वो देवी काली है, क्योंकि अंतोगत्वा आपको उन्हीं के पास जाना है। माँ भगवती देवी काली और जो बाकी दो देवियाँ हैं, माँ भगवती देवी लक्ष्मी और माँ भगवती देवी सरस्वती, इन दोनों देवियों का त्रिनेत्र नहीं है। देखिए, त्रिनेत्र होने का क्या मतलब होता है? जैसे लोग बोलते हैं कि त्रिनेत्र जागरण करवा देना या फिर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, ये क्या होता है? त्रिनेत्र जागरण का मतलब होता है जो तीन नेत्र होते हैं वो तीन काल को दर्शाते हैं, मतलब भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल को। ठीक है, तो जो दो नेत्र वाला है वो भूत और वर्तमान को देख सकता है, लेकिन जो त्रिनेत्र त्रिकालदर्शी होता है वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकता है। तो माँ काली भगवती ऐसी हैं जो कि भविष्य हैं, इसीलिए वो त्रिनेत्रधारी हैं। माँ भगवती ऐसे, माँ भगवती का सर्वस्व स्वरूप त्रिनेत्रधारी होता है, लेकिन जब तीन बीज की बात करते हैं तो माँ काली ही त्रिनेत्रधारी है। ठीक है, माँ काली का उपयोग क्या है, प्रयोग क्या है? माँ काली का काम होता है आपको भय से मुक्त कराना। ठीक है, आपको उस अंतिम छोर पर ले जाना जहाँ आपको जाना है। धर्म और जो जीवन व्यवस्था है, जो समाज व्यवस्था है, उससे जैसे ही आदमी पैदा लेता है और जब बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर मृत्यु का भय बैठाया जाता है। जो सबसे बड़ा इंसान के जीवन में जो भय रहता है वो मृत्यु का भय रहता है, जबकि वो सबसे बड़ा सत्य है जीवन का। तो भय को मिटाने वाली है काली। ठीक है, क्योंकि वो अंतोगत्वा है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो उस भगवती काली का जो चेतक है, चेतक क्या होता है? चेतक होता है सेवक। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है कि जो नेता होते हैं ना, नेता का जो कुत्ता होता है वो भी नेता होता है। ठीक है, वैसे ही माँ भगवती देवी का जो सेवक चेतक है वो भी बहुत शक्तिशाली होता है। और लगभग हर देवी का, जैसे लक्ष्मी का चेतक है, भैरव जी के चेटकियाँ हैं। ठीक है, तो ये जितने चेतक चेटकियाँ होती हैं इनका कुछ ना कुछ उपयोग होता है। तो जो काली का चेतक है, इनके बारे में विशेष ये है कि ऐसा बोला जाता है कि इनकी साधना करने से मतलब बहुत ज़्यादा धन का की प्राप्ति होती है। मतलब सतयुग में कहा जाता था और कालखंड में कहा जाता था कि इनकी साधना करने से रोज सुबह उठकर आपके जो सिरहाने हैं वहाँ एक तोला सोना मिलता था। लेकिन अब कलयुग में ये चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि काली के चेतक की साधना करने से, माँ भगवती देवी काली के चेतक की साधना करने से आपको धन की समस्या नहीं आती है। जो धन की समस्या है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। मतलब वो धन की समस्या किसी भी कारण से हो, वो किसी आपत्ति के कारण हो, किसी कष्ट के कारण हो, किसी ग्रह बाधा के कारण हो, ठीक है, किसी भी कारण से हो, ये जो है धन नहीं आने का जो भी कारण हो, जो भी व्यवधान हो, उसको ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए काला वस्त्र, काला आसन और काला हकीक का माला। ठीक है, सब काला। आपको घी और दीपक चाहिए और शुद्ध अगरबत्ती चाहिए। ठीक है, ये केमिकल वाला अगरबत्ती मत यूज़ करिएगा। अगर धूप बनाने आता है तो धूप बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत उग्र साधना है ये। ठीक है, फूल एकदम मुरझाए नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे फूल। फूल की माला भी बिल्कुल मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मिठाई, हाँ बिल्कुल साफ सुथरा बना हुआ मिठाई का भोग लगाइएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ज़रूरत होगा 1000 चमेली के फूल का और ढेर सारा घी का। चमेली के फूल में भी 1000 में एक भी चमेली का फूल मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए।
इसकी साधना आप कैसे करते हैं? देखो, ये एक साधना ऐसी है, अघोर में ऐसे तो जो भी साधना होती है उसमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना होता, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी साधना है जिसका जो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसकी साधना करनी होती है। तो कैसे करना है इसका साधना? इसका साधना ऐसा करना है कि माँ भगवती देवी काली की एक मूर्ति रख लीजिए, ठीक है, उसके सामने अपने काला आसन बैठा लिए, काला वस्त्र पहन करके आप बैठ गए, ठीक है। अब उनके सामने घी का दीपक जलाइए, घी ये बाजार वाला खरीद के अमूल उमूल मत जलाइएगा, घी बनाइए घर में, शुद्ध घी का दीपक जलाइए और साथ में अगरबत्ती जलाइए, ठीक है। उसके बाद माँ को पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए और भोग दीजिए, ठीक। इसके बाद अभी जो स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, इस मंत्र का 1000 जाप करेंगे। कितना? 1000 जाप। 1000 जाप करने के बाद इस मंत्र से 1000 बार आहुति देंगे। तो आहुति कैसे देनी है? त्रिपुंड बना लेंगे। त्रिपुंड बनाने का मैंने आप लोगों को विधि बताया है। त्रिपुंड आकार में आपका हवन रहेगा, ठीक है, माँ का आवाहन करिएगा, आवाहन मंत्र मैंने दिया हुआ है। उसके बाद उसमें आप ये जो चमेली का फूल है, इस चमेली के फूल को घी में डुबाकर और आहुति देंगे। एक बार मंत्र पढ़ा, उसके बाद घी में एक पुष्प को हाथ में रखा, उस मंत्र पढ़ा, घी में डुबाया और फिर स्वाहा, ठीक है। ऐसा 1000 बार जाप कीजिए, और जब आपका ये खत्म हो जाएगा 1000 आहुति, तो फिर 1000 जाप आपको करना है। तो टोटल 3000 जाप एक रात्रि में आपको करना है। इसके बाद रोज एक माला आप इसका जाप करिएगा। इसके जाप करने से आपको क्या लाभ होगा? आपको लाभ होगा कि अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आई हुई है, देखो आज के दिन में विपदा दो ही प्रकार की है, एक तो रिलेशनशिप की विपदा होती है, ठीक है, और दूसरी विपदा होती है धन की, जो कि अशांत करता है आपके मन को, अशांति रखता है आपके जीवन में। तो ये जो साधना है काली के चेटक की, इससे किसी भी तरीके का जो अर्थ हानि हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई अगर आपत्ति, बहुत बड़ी विपत्ति आपके ऊपर अकस्मात आ गई है, तो वो शांत हो जाएगा। अगर ग्रह बाधा के चलते आपके पास धन नहीं आ रहा है, तो वो शांत हो जाएगा। मतलब एक बाण है और इसका कई काम है। इस मंत्र का और भी उपयोग है, मैं आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अब एक विषय आज आपको मैं बताता हूँ। मुझसे ना बहुत लोगों ने बगला मुखी का मंत्र मांगा है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को आने वाले समय में बगला मुखी का एक मंत्र बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप में से जो भी घर में बैठ के बगला मुखी का इंटरनेट पे सबसे आसानी से मिलने वाला मंत्र, जिसमें मारिया मारिया, पुच्चे पुच्चे, काटिया काटिया, दह दह, पचा पचा, ये सब शब्दों का प्रयोग है, ठीक है, इस मंत्र को घर में करना बंद कर दीजिए। देखिए, ऐसे बगला मुखी का जो जाप होता है ना, वो इमरजेंसी में होता है। मतलब अगर आपके जान पर खतरा है या सब परेशान कर रहा है, तब उसका जाप करते हैं। अननेसेसरी अगर आप कोई दवाई खाइएगा, तो वो आपके शरीर को ही दुष्प्रभाव देता है आपके शरीर को। तो बगला मुखी अगर आपको जाप करना है, एक हिम है उसका बीज मंत्र, वो तो आप लोग सब जानते हैं, उसका जाप करिए। वरना मैं आपको एक जाप दूंगा जो कि आपके सुख और समृद्धि को बढ़ाएगा, ना कि किसी को मारने के लिए, किसी को काटने के लिए, किसी का बिगाड़ने के लिए वो मंत्र होगा। तो अगर आप में से कोई भी बगला मुखी का ये जाप कर रहे हैं, तो उसको अभी तत्काल रोक दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको लक्ष्मी चेटक साधना और भैरव चेटक की साधना दूंगा। ये दोनों साधना और कर लीजिएगा, तो पैसे और जो आपत्ति है उससे आप लोग मुक्त हो जाइएगा। आज का जो ज्ञान चर्चा है वो यही समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को साधना सीखना है, ठीक है, आपके पास गुरु नहीं है, साधना सीखना है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए। साधना का ग्रुप पेड ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहते हैं, तो मेरा एक वेबसाइट है www.aghortantrarahasya.com, उस पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा एक किताब है, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट बात करना हो तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आपको कॉल मी फॉर ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए,
और उसमें आपको एक कॉल ऑप्शन मिलेगा, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। बहुत इमरजेंसी हो तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।